दोस्तों, अगर आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट खुला हुआ है और आप अपने बैंक खाते में जो है कि नॉमिनेशन को ऐड करना चाहते हो, मतलब कि अपने खाते से नॉमिनेशन को जोड़ना चाहते हो, तो दोस्तों वो आप किस प्रकार से जोड़ सकते हो? ऑनलाइन, मतलब कि आपको बैंक जाने की जरूरत ना पड़े, आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन के द्वारा अपने बैंक खाते में, SBI बैंक खाते में नॉमिनेशन को किस प्रकार से जोड़ सकते हो, उसी का ये प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। स्किप कर दिया तो वीडियो आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप कमेंट करके बोलोगे कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, मेरे इसमें ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है। तो दोस्तों मैं हूं मनीष राजपूत, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि मैं बैंक से जुड़ी प्रॉब्लम के ऊपर यहां पर वीडियो लेकर आता रहता हूं। और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके जल्दी से हमें फॉलो कर लो, क्योंकि आपको अगर इंस्टाग्राम पर हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका रिप्लाई वहां पर आपको जरूर मिलेगा। और साथ ही हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं, और साथ ही जैसे मैं कोई वीडियो में फॉर्म वगैरह बताता हूं तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि मैं वहां पर उन्हें अपलोड कर देता हूं। तो दोस्तों जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में मेन टॉपिक की ओर, लेकर चलता हूं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि मैंने यूट्यूब के 2 चैनल और ओपन कर रखे हैं, आप उनको जाकर भी चेक कर सकते हो, उनकी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो यार उन चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में मेन टॉपिक की ओर। दोस्तों SBI बैंक खाते में आपको नॉमिनेशन ऐड करने के लिए यहां पर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, जिसका नाम है योनो लाइट SBI। दोस्तों आपको याद रखना है SBI की यहाँ पर 2 एप्लीकेशन है, एक तो योनो SBI है और एक है योनो लाइट SBI। तो दोस्तों हमें योनो लाइट SBI एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है या फिर उसे ओपन कर लेना है, आपके पास पहले से ही है। तो दोस्तों मेरे पास पहले से ही है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने MPIN डालने का ऑप्शन आ जाता है। दोस्तों अगर इसे आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको रजिस्टर्ड करने का ऑप्शन आएगा, जिसे आपको रजिस्टर्ड करना होगा। और इसमें अगर पहली बार आप इसे यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन को, तो दोस्तों रजिस्टर्ड किस प्रकार करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसे जाकर जल्दी से देख लीजिए, उस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो जल्दी से जाकर उसे देखकर इसमें रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर मैं अपना इसमें MPIN डालकर लॉग इन हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है। तो दोस्तों जैसे मैं MPIN डालता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सर्विसेज का, तो दोस्तों आपको सर्विसेज वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको काफी प्रकार की सर्विसेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है ऑनलाइन नॉमिनेशन को, तो दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर लेना है ऑनलाइन नॉमिनेशन वाले पर। तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक सेलेक्ट अकाउंट टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों आपको अपने अकाउंट का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा, एक तो डिपॉजिट अकाउंट और एक ट्रांजेक्शन अकाउंट। तो दोस्तों हमारा सेविंग अकाउंट है तो हम ट्रांजेक्शन अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों उसके बाद नीचे आपको सेलेक्ट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, तो दोस्तों आपको सेलेक्ट अकाउंट पर क्लिक करके अपना अकाउंट नंबर आपका शो होगा उसे सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जैसे आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपके अकाउंट की डिटेल आ जाएगी, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर और CIF नंबर, और उसके नीचे एक लाइन लिखी होगी जहां पर लिखा होगा नॉमिनी नॉट रजिस्टर्ड, और उसके नीचे एक बटन होगा रजिस्ट्रेशन नॉमिनेशन का। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहां पर मिलेगा। तो दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आपके खाते में ऑलरेडी नॉमिनेशन रजिस्टर्ड होगा, मतलब नॉमिनी रजिस्टर्ड होगा, तो आपको नीचे बटन देखने को मिलेगा व्यू नॉमिनेशन का। हमारे खाते में चूंकि नॉमिनेशन रजिस्टर्ड नहीं है, नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमारे यहाँ पर बटन देखने को मिल रहा है रजिस्टर्ड नॉमिनेशन का। तो दोस्तों मैं रजिस्टर्ड नॉमिनेशन वाले पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों मैं जैसे ही रजिस्टर्ड नॉमिनेशन वाले बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म आ जाता है, जहाँ पर मेरा अकाउंट नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा और नॉमिनी का नेम लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर इस कॉलम में। यहाँ पर मुझे नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर मुझे नॉमिनी का एड्रेस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे नॉमिनी से रिलेशनशिप, मतलब कि मेरा नॉमिनी से क्या रिलेशनशिप है, मतलब कि जिसका खाता है SBI का उसका क्या रिलेशनशिप है जो नॉमिनी ऐड करना चाहता है वो। तो दोस्तों अगर वाइफ है, बेटे का है, बेटी का है, किसी भी प्रकार का अगर रिलेशनशिप है उसका यहाँ पर लिख देना है रिलेशनशिप, ठीक है। दोस्तों उसके बाद सारी डिटेल भर लेता हूँ मैं अपनी यहाँ पर, और उसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने सारी डिटेल आ जाती है, और मेरे से कन्फर्म करने के लिए मांगा जाता है कि हाँ सारी डिटेल सही है, तो मैं कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे मैं कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो OTP है वो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला गया है, मतलब कि जो SBI बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP गया है, वो OTP मुझे यहाँ पर डालना होगा। तो दोस्तों मेरा OTP आ गया है, मैं वो OTP यहाँ पर डाल देता हूँ। दोस्तों अगर आपका OTP नहीं आता है कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से, तो आप नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्लिक हेयर, इस पर क्लिक करके आप दोबारा से OTP मंगा सकते हो। तो दोस्तों मेरा OTP आ गया, तो मैं अपना OTP डालकर यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे मैं OTP डालकर यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक
पॉपअप मैसेज आ जाता है जहां पर लिखा हुआ है नॉमिनी ऐड सक्सेसफुल्ली और रेफरेंस नंबर मेरा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मेरा जो नॉमिनी है वो मेरे बैंक खाते में ऐड हो गया है सक्सेसफुल्ली, मतलब जुड़ चुका है। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार इस प्रोसेस को फॉलो करके अपने नॉमिनी को अपने SBI बैंक खाते में जोड़ सकते हो बड़े ही आसान तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि आप अपने SBI बैंक खाते में किस प्रकार से नॉमिनेशन को ऐड कर सकते हो, मतलब कि जोड़ सकते हो, वो भी बिना बैंक जाए अपने मोबाइल फोन के द्वारा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।